तो भाई अब लंच हो गया है और लंच के बाद हम चल दिए हैं देखने के लिए एप्पल का ऑर्चर्ड वहाँ पे कैसे होती है। ये है स्टीप सा रास्ता और ये है हमारी गाइड आंटी जी जिनका ही ऑर्चर्ड है। ओह ये देखो रियल सेब, इतनी पास से देखे कभी पेड़ पे सेब ऐसे पकड़ के ऐसे तोड़ लो, ये देखो ऐसे, और तोड़ के खा भी सकते हो, है इनक्रेडिबल। देखो सेब ही सेब गिरा हुआ भी यहाँ पे, ऐसे ही गिर गया सेब 80 रुपये किलो, नहीं 200 रुपये किलो। और ये काट रहे हैं तोड़ रहे हैं। क्या बोल रहा है, बैग में देती हूँ, मेरे पास पड़े हैं घर में, और देते बैग और चाहिए तो। देखो ऐसे तोड़े जाते हैं सेब, कभी तोड़े हैं तुमने? नहीं ना, सिर्फ बाजार से खरीद के खाए होंगे, तो अभी ऐसे तोड़ के खाओ तब तो बात है। इनका तो मन भर गया होगा सेब खा खा के, अब नहीं खाते मन ही नहीं होता होगा शुरू में तो सेब बेस्ट लाल, वो तोड़ते हैं वाले रॉयल होते हैं सबसे पहले। हाँ रॉयल था ना, तो वो तो भेज दिया हमने, 2000 पेटियां तो भेज दी थी मार्केट में, 2000 पेटियां मार्केट में जा चुकी। ये ढके हुए क्यों रहते हैं? ये नेट है, एंटी हीलिंग नेट बोलते हैं, बर्फ के गोले गिरते हैं ना, तो बर्फ के गोले कहाँ गिरते हैं? आसमान से गिरते हैं ना ऐसे। अरे तो अभी इस सीजन में कहाँ गिरते हैं? वो मार्च में गिरते हैं ना। हाँ तो इसको फूल को डैमेज कर देते हैं। अच्छा ये तभी से लगा के रखे हुए हैं, तो वो जो फ्रूट रहता है ना नीचे जी उसको खराब नहीं करते हैं वो। अच्छा मतलब इससे ढका रहता है ना। हाँ हाँ, इस पर्पस से नेट, मैं सोच रहा सनलाइट से बचाने के लिए। मैं आ गई थी स्टोर में, चलो सनलाइट से बचाने के लिए तो नहीं है। देखो कैसे ऐसे पड़ा हुआ है सेब, बिल्कुल जैसे कुछ हो ही ना। ओहो ये तो ड्रॉपिंग है बेटा, नीचे गिर गया ना ऊपर से ना बारिश की वजह से। हाँ लेकिन बता रहा हूँ सेब इतना वैल्यूबल है, यहाँ देखो कैसे पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, सेब ही सेब पड़े हैं चारों तरफ। अच्छा ये पैकेजिंग सेक्शन में, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, ये हो रहे हैं सॉर्ट। नमस्ते बेटा, क्या हाल है? ना ऐसा तो मत किया करो ना यार, 100 रुपए पेटी का सीधा नुकसान हो जाता है। उसको मैं बोली भी पहले कि निकाल के रखो, कम से कम एक पेटी अलग रख और उसमें अच्छे अच्छे दाने निकाल के रख दे, एक पेटी तो अलग रखो ना, जैसे ये अच्छे अच्छे है ना। सॉर्टिंग यहाँ से निकलेंगे, सॉर्ट होंगे उधर वाले डब्बों में भेज जाएंगे साइज वाइज। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले का कलर देखिए आप, शाइन का लेवल देखिए, सॉर्टिंग से पहले नॉर्मल नॉर्मल और सॉर्टिंग के बाद सेम सेम देख रहे हो, एकदम क्लियर सी बॉल लगती है। सेबों के ऊपर यहाँ तक लगाया जाता है, ये करता है अभी अभी इन दोनों गाय को मैंने चारा भी डाल दिया, इन्हीं दोनों को मैंने अपने हाथों से डाला है। बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, वी विल सी यू अगेन।